कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे गांव से जिसका नाम है जमोहत। और इस गांव में रहते हैं सात नमूने। इन सातों नमूनों के अपने अलग अलग कारनामे हैं, तो आइए मिलवाती हूँ आपको इन सातों नमूनों से। सर, मरीज आया है। पकड़ पकड़ पकड़। अरे डॉक्टर साहब, अभी तो आधा चढ़ल था। उठ उठ, हाई ले आना, जो घर पी गई है। ठीक नू, जा न जा, मुंह का ताकत आ जा, जो जा न जा। बदमाश कहीं क्या, बिजनेस बिगाड़ी है। हाँ, भेज भेज। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, का भइल का भइल? हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे राम राम, तनी चेक करके बताई ना का भइल बा। तू चिंता मत कर हनु। अच्छा ही बताओ कि तहार नाम का है? मूलचंद। मूलचंद, अच्छा। बाबूजी के नाम? माणिक चंद। माणिक चंद, हाँ। माणिक चंद। माई के नाम? तुलसी। तुलसी, हाँ। पत्नी के नाम? रजनीगंधा। रजनीगंधा, हाँ। बाल बच्चे बड़े सा? दूगो लड़का बड़े। का नाम हो? पान कुमार, पराग कुमार। अच्छा, पान पराग, आज तोरा भूत रे। अब बेटी भी है कि ना? हाँ। का नाम रे? चुटकी। चुटकी, हाँ। अब भाई? भाई विमल। विमल, हाँ। हे भगवान, हे कहा काम कर रहा? गोवा में। गोवा, हाँ। तोरा भूत के, हे भगवान, देखा तहार रोग एकदम शिखर पर चढ़ गई बा, बुझला? बाकी चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। हम जो कहो तनी खाली करी हा, ठीक नू? एक पाव सुरती, एक पाव सुपारी, एक पाव कत्था आ एक पौआ चूना, ए चारों के मिला के आ एगो रोटी में लेके लभेर लिए, बुझले? आए आओ, रोटी के तू खा लिया। अगर कल बाँच गई लत तो फिर आ जाइ। रे सरऊ, हर घड़ी हाई के दैया मैया काहे लगावत रहले? गाना गावे के बा का रे? हाई खदेरुआ मुझौसा हा, अंगुरी करता। का खदेरु, काहे उंगली करता रे? तका अंगूठा कर देवे के चाहत। का भाई? ए मदेरु भाई, हा? मदेरु भाई, आज बियर पिए के मन करता। हमर हनु, बाकी हम ओहन की नसीब में कहा। चल, अरे रुक, तहनी के बियर पिए के बा ना? हम पियावत तनी तहनी के बियर। उ कैसे बॉस? चल पता चल जाई, आओ आओ। ओ जाइन खुदा खादी जान करी। चल चल चल, बियर पिए के बा। आए हे हे हे, केहू बा हो? ऑर्डर लेके जा। देख रे देख। का चाहिए? ए भैया, आइजा बहुत भयानक फाइट होखे वाला बा, तो तनी मूड बनावे खातिर तीन गो बियर लेके आवा। ठीक है, फाइट हार्ड बियर लेके आई हो। ए अनु, हाँ, लाओ लाओ। वाह, चल चीयर्स कर, गिलास छोड़ रहे। चीयर्स। हाँ, मजा होता। ए मदिर भैया, एक औरी मंगावा ना। औरी चाहिए? रुक, मंगावता नहीं। आए तीन गो और लेके आओ यार, बहुत बड़ा फाइट हो किया।
धन्यवाद धन्यवाद। ए पीना मदर भाई। अरे एक आओ। अरे तू भी का याद कर बे यार। ए तीन गो और लेकर आओ यार, मजा नहीं के आइल। नकली बियर लेके आइल बड़े का यार। तीन गो और लेकर आओ, तीन गो। हाँ तीन गो बियर लेकर आओ। बड़ा भयानक फाइट होके वाला है आज इधर। वो तो सब ठीक बा बियर, पहले फाइट कैसे होके वाला भाई तो बतावा हो। रहुआ के बानी? हम है एकर मालिक। हाँ रहुए इस दुकान के मालिक बानी? हाँ हम एकर दुकान के मालिक बानी। रहुए के साथ मार होके वाला बा? मार? और हमारा साथ है? जी। वो कैसे? कहे कि हमने के लगे पैसा नहीं के ना। पैसा नहीं के? तो मार होके करी नू। अरे मार? हाँ? अरे मार के तो हम कछु बोली कर दे। अरे हो गए बियर। अरे दूधवा में मिला के हम बेचब पानी। हाय पानी? हाय हाँ पानी। हमरा कहानी हमरा कहानी नो 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 कान पकड़ता नहीं, अब बिहाने से अभिना कर ठीक है। दूध वाला। ओम नमस्तोभ्यम 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 ओम नमस्तोभ्यम 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 ओ नमस्तोभ्यम 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 नमस्तोभ्यम। खूब हंस तारु, खाली हंसबे करबू कि मिलबो करबू? आ ओ नमस्तोभ्यम 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 का कह तारु? ओ आइबू कि ना? कूल मॉडर्न कपड़ा पहन ले बड़ू। साड़ी को पहनबू? साड़ी हम पहनाई। गजब कहाँ सा तारू, गजब कहाँ सा तारू। ये तोहार जवन हंसी बानू अम्रपाली। अरे हंस के हमार जान ले बू का। ए बता सा। हाँ। राते के प्रोग्राम तो हिट भइल। हाँ। पैसों कमाई नहीं जा। हाँ। अब आगे के क्या प्लान बा? खामोश, मैं महाराजा रावण हूँ। रावण? रे बेवकूफ, दशहरा में रावण बने के बा अभी से काहे रावण बनो तोड़ो। बैठ 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 बैठ। अगला नाटक जवन हो वो नाटक हो देश का प्रधानमंत्री उर्फ चाय वाला। आ चाय वाला तू हो, चल रिहर्सल करा। ये बनिए चाय वाला। चाय पी लो चाय। भीख मांगा तारा, भीख मांगा तारा कि चाय बेचा तारा? चाय पी ले। चाय पी लो। देने चलो ने बैठ, जो बैठ के देख चाय कैसे बेचल जाला। देख भोरे भोरे जब घर से निकलबे चाय बेचे, चार पहर में चाय बेचल जाला। देखो भोरे भोरे के चाय कैसे बेचाला। वेरी गुड। ऐ चाय गरम गरम चाय ले लो, मेरी चाय ले लो, कुल्हड़ वाली चाय, मीठी चाय, ताजी चाय, एकदम फ्रेश चाय। आए अब देखो, अब दुपहरिया के चाय देख। अब थाकियो गोल बा। चाय गरम गरम चाय 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 वाला इया। अच्छा सांझ के चाय। हाँ आए चाय चाय गरम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चाय देख लो झटका बुझले जरहू के ना चाहे केहू के। हाँ, हाँ, हाँ। अब अंतिम जौन बा घरे जाए के बेरिया थाक के एकदम चूर हो गइल बा। हनु
मुखिया प्रणाम मुखिया जी प्रणाम 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 बैठिए मुखिया जी कैसे मुखिया जी आप हमारा दरवाजा पे सुनो बैठो तू लोगों से एक काम बा जी काम ई बा दरअसल ये गांव में भोजपुरी कल्चर भाषा सीखे खातिर हाँ। बम्बई से एगो हीरोइन आ रहल बा हीरोइन हीरोइन हाँ हीरोइन तोरा जैसे निकम्मा तो ई गांव में बढ़ल ही ना बा मुखिया जी रउआ इज्जत दे रहल बानी कि ले रहल बानी अरे सुनो यार अही से हम फैसला कर लिया तोरे सबके कंपनी में एक महीना रह के काम सीखी अच्छा जे उनका सीखे के बाद सिखा दिया अरे बहुत बढ़िया मुखिया जी लेकिन ध्यान रहे कोनो गड़बड़ी ना होके के चाहिए ना ना अगर कोई शिकायत हमारा पास आए तो हमारा से बुरा कोई ना हो ना ना मुखिया जी राव राधे सरा खोपर अच्छा मुखिया जी वो हीरोइन का नाम का है अमरपाली कहा अमरपाली 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 चलो चलो तू सब नौटंकी करो अरे अमरपाली अब हम का करी हो मैडम जी नींद नहीं खे आवत हमारा विश्वास नहीं की होत कि रहुआ हमारा गांव में आ रहल बानी ये मेरी मोहब्बत है जो आपको खींच कर मेरे गांव में ले आ रही है ए मैडम जी तहरा के हम अम्रपाली ना कहो तबका कहीं अमु ना आए मैडम जी हम मैडम जी कहो अच्छा रही नू जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको दिलाने की साजिश में लग जाती है ओम शांति ओम में शाहरुख ने कहा था बड़ा गजब का बात कह ले रहा हो का भगवान इतनी लंबी रात होला का नमस्ते हमारा गांव में रउड़ा के बहुत स्वागत बा हमारे गांव में नाटक मंडली बा अरे नाटक मंडली हाँ, हाँ, हाँ। आने गाड़ी जल्दी आ चल 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 देखी देखी ई बा झटका ई बा संतराम ई बारन उकांता बा देखा देखा ई खजेरुआ मजेरुआ ई नाटक कंपनी के मालिक बताशा नमस्ते मैडम नमस्ते बताशा आ बताशा मैडम हम मिठाई होला खाएल जाला मिठाई है खाते हैं सो स्वीट मैडम बहुत दूर से आयल बानी चली नहाई जो आराम करी रौड़ा के सब इंतजाम यहाँ बा चली चली मैडम जी हम लोग कल मिलेंगे हाँ ठीक है बाय गाइस बाय 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 गाय हाँ हमनी के गाय लोग को तनी देखा उनका बैल बोलिए मैडम जी अरे अरे बुर्बक बारा मर्दे तो नहीं लोगन का भाई बाय गाइस अंग्रेजी में हिंदी में बाय दोस्तों मैडम जी हमारा तो विश्वास है नहीं कि हो कि रउआ हमारा गांव में आ गेल बानी और हमारे के बीच में बैठल बानी अच्छा मैडम जी ऐसा का भइल कि रउआ एयर कंडीशन छोड़ के आ एजा धूरा फाके आ गईनी धूरा फाके अधूरा फाके बतियाओ तरह कहे के मतलब शहर के चकाचौन छोड़ के ऐजा गांव में कहे आ गई नी ओ वो एक्चुअली एक महीने बाद मैं एक बहुत बड़ी हिंदी फिल्म कर रही हूँ उस हिंदी? फिल्म का बैकग्राउंड भोजपुरी है भोजपुरी? उस फिल्म में मुझे भोजपुरी डायलॉग्स भी बोलने हैं यहाँ के कल्चर्स भी करने हैं
बहुत बड़ी फिल्म है तो मैं उसमें सब कुछ बहुत ही रियल करना चाहती हूँ, इसलिए एक महीने की छुट्टी लेकर मैं यहाँ पर भोजपुरी बोलना और यहाँ के कल्चर सीखने आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हो। अच्छा सुना, एक काम करा हो, जब सिखाई सिखावे की बात हो तो काल है जो भगवान के नाम लेके देवी माई के मंदिर पे शुरुआत करल जाओ। मैडम जी, काली आप भोरे भोरे वह करीब 10 बजे के आसपास, भोरे अरे सुबह सुबह जी काली माई के मंदिर पे आ जाइए। ओके ठीक बा, ठीक है, कल वहीं पर मिलते हैं। हाँ बाय। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हमने कर्नाटक कंपनी में राउर स्वागत। हाँ हाँ। मतलब कि हिंदी में बोली, हिंदी में। हाँ। मतलब यह है कि लगे हमने हमारे हाँ। यहाँ आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा आज मेरा यहाँ पर पहला दिन है, तो बताइए कहाँ से शुरुआत करें। अब भोजपुरी से शुरू कर, नहीं हमारा मतलब है भोजपुरी से शुरू करते हैं। ओके बाबा सिखाओ। हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से, बोली हो गई है प्यार। अब लो हो गई है ना, तो हो गईल बा, हो गईल बा हाँ, प्यार ओढ़निया वाली से, प्यार ओढ़ने वाले से। अरे बाप रे, क्या ओढ़निया वाली से, हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से, हो गईल बा प्यार ओढ़निया वाली से। अच्छा अच्छा बताई पंडित जी, बताई ना ब्याह कब होई। पंडित जी बताए ना ना ब्याह कब होई, ब्याह कब होई। वाह क्या बात है। अच्छा मैडम अभी बोलिए, गैल भैंसिया पानी में। गैल भैंसिया पानी में, गैल भैंसा पानी में। अरे दे दे दे। अरे भैंस और भैंसा दोनों अलग होला, जैसे मर्द मेहरारू में मतलब लेडीज जेंट्स में मेल फीमेल होता है, वैसे इसमें भी भैंसा मतलब मेल, भैंस मतलब फीमेल। तो यहाँ भैंसिया गई है, फिर से बोला गैल भैंसिया पानी में, गैल भैंसिया पानी में। अच्छा अच्छा सुना, हम बोला जेकरा में होई दम उहे खून खूंटा गाड़ी, जेकरा में होई दम उहे कुत्ता मारी। रे कंता रे, तारा अच्छा वाला फिल्म के नाम नहीं के सुझाई दे, खूंटा गाड़ी। अब हट, अब रजा दी ना मैडम जी। एक मिनट। हाँ। बहुत हो गई भोजपुरी में सिखा सिखौली, अब हो भोजपुरी में डांस। हाँ। चलो चलो बजाओ बजाओ। हाँ बतासा के माई। हाँ? धनवा और बाकी इतने बाहू और बाटे ना घरवा में हो। अरे अरे आराम से आराम से, बाकी हो ही ना आज। आज ना हो पाई, बस अब रह दा जाओ। हाँ। कितना होई बिहाने से आदमी यही में लागल बा, चार बोरा भइल ना। कहता नहीं कि अब धनवा के कंवा जैसे होइए गई। हाँ। हाँ? अरे बतसवा कहत रहल जे कि गंवा में हीरोइन आइल बिया, सुन ली रहो। हाँ सुननी है। तो जाई देखा ही का, मतलब ऐसा ही अब उड़ौती में हीरोइन देखे जेबू। अरे वो आवारा के वो सब काम छोड़ो करे जी में, तारा कौन सा हीरोइन बने के बा, मने देख ले तो हीरोइन बन जाए का। बतियाई हटे, पहले जानत रहनी रहुआ जाए ना दे, मालूम रहे हमरा के। ठीक बा जा जल्दी आ जाइयो। सचो में? अच्छा हाँ जाई। अरे जा ना। अच्छा कपड़ा बदल के आवा, ठीक बा जा।
बतियाई ना हमरा से। अच्छा ठीक है जाता नहीं, आम्रपाली हो मन करा तो देख ली हाली। अरे पगले, अब मंदिर में कुली होता, मंदिर में मातारी बेटा दोनों पगला गिल पड़े सो, आम्रपाला के देखे जाता नहीं। मैडम जी हाँ, आपका जो सीरियल आता था नू पलकों की छाव में, हाँ बहुत बढ़िया था, हम तब से फैन हैं आपके। अरे वाह, तो बहुत पहले की बात है। अच्छा सलमान खान के साथ आपका एक फिल्म आने वाला है? हाय पता नहीं कब आएगी, भगवान करे जल्दी आए। ए बतासा बतासा। हाँ हाँ देख चाची अवतारी आई। ई कहां है अवतिया गली? ए झटका हम चाची झटका। अरे बहुत तू ए लग कैसे कर बैठी? सही से ना बैठो। अरे दादा हमार माई है। बतासा तू ही आम्रपाली बाड़ू ए रनिया, हमार लड़का ना तोहार इतना दीवाना, इतना दीवाना भर घरे फोटो लगाई के बच्चा दिन रात आरती उतारल करेला। अरे हमार लाल तोहार दीवाना बाए बचिया, तो बाड़ू इतना सुगर। थैंक यू आंटी। अरे अब ये कहत रनिया की कै को बाल बच्चा बाड़े? आंटी मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अभी ले बिया ना केलू? नहीं। ए बतासा देखो, हमार तो 16 साल में हो गेल रहल, 17वां में तो बतासा हो भी गई रहल। अब चल 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 खाना बना बाद में। सॉरी मैडम। अरे माई उठ लेते हैं, टाइम हो गई ना। अरे चल घर पे खाना लेने के चाहिए ना, बना चल के। हां मिला फिर। अरे चल 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 करके के। बाय आंटी। सॉरी मैडम जी। बाय मैडम जी। सॉरी फिर मिले। कितना सुंदर भी। जाए मर्दवा डॉक्टर साहब, कैसन तू डॉक्टर बड़ा हो का भेड़े? अरे जॉन तू दवाई देले रहला ना, उ दवाई खइला से हमार एकदम पेट झोरी पकड़ लेले बा। अच्छा आ झड़ा फिरत फिरत हमार एकदम दशा खराब हो गइल बा। ओके ओके कोनो चिंता के बात नहीं के हनु, सब ठीक हो जाई। सुना हाय हट रे, ए कस्टमर बार बात करते है। हां चल जाई हक कहीं से बैल के हाथ ना गोबर ले लिया हनु, आ गुड़ के ढेला ले लिया हाथ ना, दोनों के वो गिलास में घोर लिया, आ एक गिलास पी जाई हा, तहर सारा दुख खत्म हो जाई। ए भगवान इनके कौन डिग्री देले बड़ा ये दादा। जो जो मैं बिल्डिंग फेंके लगवा ते फिर से मत आई है। हे भगवान काई खुदरा भेतर भगवान कोनो बढ़िया गांकी भेजा ना। हे भगवान हर जगह ही पेट बढ़ जाता, पेट नाते मेहरारू भाग गई। कैसन हो, कैसन बवड़ा डॉक्टर? अरे डॉक्टर बाकी का साहिबा। अच्छा अच्छा अब अहिन ने जिया काटे सुखेन बैद उठापा कम करने का बंपर पर। अरे बाप ये तो हमारे बाप लगता, मोटापा कम करने का बम्पर ऑफर 100% गारंटी के साथ, एक दिन में 5 किलो वजन घटाएं, मोटापा कम न होने पर दुगना पैसा वापस। बहुत जगह ही पैसा गवाउले बाटी, काम हो जाए तो बढ़िया बा, नहीं तो दुगना पैसा मिली। चला जय श्री राम। मे आई डूकिंग? इनकमिंग इनकमिंग। थैंकिंग सर थैंकिंग। अरे 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 गलत जगह गुरी नहीं, गलत जगह गलत जगह। ये बोल तू बे हमारे यार, कैसे कैसे कस्टमर? अरे डॉक्टर साहब पेट से बड़ा कष्ट बा, हर जगह ये जा कोड़ जाता। अच्छा पेट में आड़ जाता तो महरारू छोड़ के नहीं हरे भाग गई। वो तो भागिए जाई जैसे तारी स्थिति बाड़ बाबू, जिंदा बाड़ा वो है बहुत बार। बारवा निकल हल के दिन में 5 किलो कम करे, हाँ 100% गारंटी के साथ, नहीं तो दुगना पैसा वापस। सही लिखल रहल का हम ये टंकी करे बैठल बनी। अच्छा अच्छा सही बा, एक दिन में ही कैसे संभव है? अरे संभव कितना लोग के को के बैठल बनी। केकर अदनान सामी मोटका अंबानी के लड़का, गणपति राव तापसे, सखाराम गोर टोंडे। गोर टोंडे? अच्छा अच्छा श्रीकांत पेला रे पे। मारे लपर ठीक हो जब कुत्ता कहीं का चले, सब के एक दिन में कम है ठीक हो बनी, कम कोई ले बनी तोरो कराओ मत तो बोल। अच्छा दवाई दे तब बने कम हुई? आए तो पैसा दे बताऊं, 25,000 रुपया लगेगा पैकेज। हां 25
1000 का 25 रुपया चाहे तो बोला। हाँ दे किराया 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 तेरा जाए में कर ला 10 रुपया रखो ठीक नो दवाइया आए दवाइया कल सवेरे एकदम तेरा घरे पहुंच जाए हमें अब चाहिए दवाई आए अब चाहिए हाँ अरे ये बहुत बोला था जा तार हमरा पैसा ना चाहिए मजाक के लिए मजाक जा कल सवेरे पहुंच जाए ठीक नो अरे वो नहीं रख ले जो जा बाप रे बाप साफे जिंदा लाश बटे हे भगवान ऐसा कस्टमर भेजिया प्रभु हे भगवान जय भगवान जय भगवान हे लक्ष्मी जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी इतना टाइम हो गया अपन तक दो ये लेकिन आयल कहीं हमके बुर्बक ना बना दिया ना रघुआ के आई एम स्वीटी आप क्या मटरू है yes, I am मटरू मैं डॉक्टर सुकेन के यहाँ से आपके लिए दवा लेके आई हूँ दे दवाई मैं ही हूँ आपकी दवा आप हमारी दवाई है हाँ हमारी दवाई कैसे कर जाए मैं भागूंगी हाँ। आप मेरा पीछा करेंगे हाँ। और आपने अगर मुझे पकड़ लिया तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी मतलब लेकिन आपका टाइम शुरू होता है अब नीचे उतर 5 किलो और कम करने के बाद तो 25,000 दे कुछ बोले है कहते अब बोले काबा नानू नहीं जल्दी आउट हो जाते हैं पाली हमारी दवाई बहुत सुंदर मैडम गाइस आज मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ सरप्राइज मैंने तुम लोगों के लिए एक स्पीच रेडी की है पर सरप्राइज की बात ये है कि मैं वो स्पीच भोजपुरी में सुनाऊंगी अरे भोजपुरी लेकिन एक सेकंड उसमें मेरा हीरो कौन बनेगा ऐजे हमरा से सुंदर केहू नहीं खे हैं हम तो से कम ही का ए सुन मैडम कलर पे मत जाइए जज्बात को समझिए जज्बात हम हीरो बन सकेला ए ए मैडम छोटा चेतन के भी ट्राई कर सकेले हम बड़ हीरो नंबर वन हीरो हम कबोली हमरा के तो भगवान पहले ही से मिस फायर बना दिलवा
मैडम जी हमरो के लेके ट्राई कर सकिले खिजाब लगा लेब तो करिया हो जाई के नहीं नहीं अंकल आप हाटा मैं अपना हीरो बताशा को बनाऊंगी अपनी रोमांटिक स्पीच में तुम्हारे साथ बोलूंगी ठीक है थैंक यू मैडम ए प्यार इश्क मोहब्बत ई सब एगो इबादत बा आज हमरा मन में ऐसा अरमान जागल बा जे एगो लड़की के श्रृंगार होला ऐसा श्रृंगार जे लड़की सिर्फ अपना होखे वाला राजकुमार के सामने करेली आज हम ईश्वर के साक्षी मान के सबके सामने कबूल कर रहल बानी कि हमरा के केहू से प्यार हो गइल बा और वो केहू केहू और ना हमरा सपना के राजकुमार रहुए बानी आई लव यू कैसा था तो ताली बजाओ ना बताशा हाथ छोड़ो अच्छा था ना मजाक रहल का मेरी भोजपुरी अच्छी हो गई है ना बहुत अच्छा थैंक यू सो मच ए बाबू हमने के चले के बाद छठों के तैयारी करे हाँ भोजपुरी समाज में छठ के बड़ा महत्व में बैठे आ बड़ा ही पावन पर्व चले के बाद वो तैयारी करे नू मैं भी छठ देखूंगी हाँ चक्का का रे कंतावा तू बता तो हर ब्याह होई तो तू का करबे हनीमून पे जाए हनीमून ए ते हनीमून पे जाके का मनईबे हम थोड़े कुछ करब हां तो जवन करी हमर मर्दन करी अरे जा रे कंतावा अरे नाम ले तो देख जल हाथी तोहे मौसी पोच घर है आ कट हर दई है अपने माय नहीं देखते मोटाइल बाटीन मारब गोबरिंग में ना जाइए हम चल से मुद्दे पर हमारी ऐसे मोटाइल बाटी गांव में हमारी ऐसे मोट लगाता थी है ना मटर हुआ है ना आओ आजो यहाँ क्या बात बा मुंह कहाँ गिरोलो कहाँ खिसियाल बड़ा जाए तो मर्द बा इनके मौसी पहुंच चुका रहो एक दली सुशेन बैद कहा मिला सुशेन बैद हाँ बाबा बाबा कहा भाई हमार मोटापा कम कर एक नाम पे 25,000 रुपया ही ठला है 25,000 हाँ हाँ अब दवाई मांग ली हाँ तब बाबू घर बैठे लड़की नहीं भेजा ले लड़की हाँ हाँ वो लड़की नहीं हमसे कह रहा है हाँ हमके दौड़ा के ढाई ला हाँ फिर जोन जोन मन करे तोन तोन तू कहीं ला हाँ अरे वाह अरे तब राजा टॉप हम लग ली दौड़ा में अच्छा हम जल्दी दौड़ा के पाई जाब आ दौड़ा ले रही हाँ मतलब दौड़ा दौड़ा था मार तारी सूख गई पकड़ाइल की ना अरे घंटा पकड़ाइल मतलब वजन गई 5 किलो कम हो गई हाँ तारिया सूख गई तो 5 किलो कम ना होई हाँ घंटा दे रहा दवाई चीटिंग इस चीटिंग का बदला लिया जाएगा ओके तू 25,000 का और व्यवस्था कर ए मतलब फिर एक बीघा खेत बेची बेचता बेच डाली हाँ अब फिर से बबुआ उहे लड़किया के भेजी हाँ, हाँ? और सब मिलके सामूहिक चमत्कार कर जाई अरे वाह ओके ओके ढुकिंग साहब अरे प्रणाम डॉक्टर साहब प्रणाम जो दवाई दे हाँ हाँ एक के खुराक में बहुत फायदा कर गई फायदा कर ले बा बहुत सुंदर एक्टिंग करी हाँ हाँ हाईली 25,000 और अच्छा एक खुराक और तो नहीं उहे दवाइयां भेज दी अच्छा आए हनु बहुत सुंदर हनु अरे रहुआ महाराज अब की तो एकदम ईमानदार लेखा बतियाओ तरी कोनो सवाल ना कोनो जवाब कोई नहीं अरे डॉक्टर साहब आप जैसन डॉक्टर से कौन सवाल और कौन जवाब लेकिन साथ ही भेज दो जी हाँ एकदम भेज दे अब की तरह हुआ पहल को दवाई से एकदम कारगर दवाई भेजब बहुत बढ़िया रुआ निश्चिंत होके जाई तनी जल्दी भेज ले उठी पकड़ में टेबल हाँ ठीक बा हे भगवान वो सब तो ठीक बा ये बताओ सबसे पहले चमत्कार के कोरी बहु देखा हमार चल दवाई एनाते हमारे बस के कुछ ना हो हम करब हम नहा के सेंट उठ मार के आइल बानी हां
लॉटरी निकालल जाओ। ई तरीका अच्छा। तंती तू का बोला तारू? मत खाली देखो देखा भाई कोनो काम में सबसे छोट के पहला अधिकार होला। हम सबसे छोट बानी, पहला अधिकार हमर बा। हम तो बुर्बक है, है? खेत बिकल हमार, 50,000 हमार गई, चमत्कार कर बा। तू लोग आगे लगे चुप 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 मिस्टर मेट्रो, लेकिन आप कौन हैं? हम तुम्हारा इंपोर्टेड मेडिसिन है। हमको डॉक्टर शुकेन साउथ अफ्रीका से इधर भेजा तुमको पतला करने के वास्ते। साउथ अफ्रीका? लेकिन आप हमारी दवाई कैसे करेंगे? हम बताता मिस्टर मेट्रो, तुम आगे भागेगा, हम तुम्हारा पीछे भागेगा, और हम जब तुमको पकड़ लेगा तो तुम्हारे साथ वो सब कुछ करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकता। कुछ मतलब मेट्रो, तुम्हारा टाइम शुरू होता है। जिंगल लाला, मिस्टर मेट्रो, वेयर आर यू? मैडम जी, ई तालाब के ताजा ताजा मछलियां अपन हाथे से बनी ले बन। थैंक यू। जी नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। रुआ बहुत कमजोरी हो गई, यही से रुआ खातिर अपना हाथ से चौन प्रास बना के ले आइल बानी। अरे रुआ खाए तो बहुत ताकत हुई। थैंक यू। अच्छा मैडम जी, सुखेनवा का चौनप्रास रउआ मत खाई, मुझे सब भैंसी के लीद डाल के बनावे। हाई देखी रउआ खातिर अचार ले आइल बानी आम के, खा ले। थैंक यू मैडम जी। गर्मा गर्म रोटी सब्जी और सेवई दाल भी बा। थैंक यू इस मैडम जी। चले बहुत खुशबू वाला चले बाटे, हम खुद से बना लिया। देखो शुद्ध देसी घी, तन भी खुश मन भी खुश। थैंक यू। हाँ बाय। हेलो मैडम जी। बताशा अब तुम क्या लाए हो? ये कुल का लाल हमें, कुल बैल बुद्धि बिंध्या चले हमें का। मैडम जी हम तो रहुआ खातिर स्पेशल चीज लाए हैं। सबसे पहले ये चना। चना? चना के साथ थैंक यू सो मच। चलो चलो। बताशा यार तुम बहुत क्यूट हो। वो बाकी लोग क्या लेके आए थे? सब सब गधा है ससुर। पागल कैसा लागल है? एक नंबर। ये हमारे यहाँ के स्पेशल ब्रांड हो। बहुत एक लैला बोलल जाला। पर थोड़ा तीखा है। तीखा नहीं है, तीखे में वो थोड़ा सा एंजॉय करने वाली बात है। ओके। अच्छा मैडम जी, रउआ तनी कम पील करे ना तो लीवर खराब हो जाए। लेकिन तुम ज्यादा पी सकते हो, तुम्हारे लीवर ज्यादा बड़ा होगा ना। हमारा तो तीन तीन लीवर है। प्रणाम। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम। बतासा कहाँ बा चाचा? हमरा का पता बा कहाँ बाड़े बतासा, दिन भर तो तारे लोग सतवे रहता। मतलब घर में नहीं खे? अरे कोहा तनी नहीं खे तो नहीं खे। हाँ अच्छा मैंने नहीं खे नू ये हमने के पत। अरे ठीक है बेटा। अरे कौन तारे नहीं खे तो काहे बात बड़ा होता रहे। चल 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 हम का कुछ बोल कहीं मत। हमरा कहा मालूम बा? मैडम के साथ में अरे पटावत हुई। बतासा कहाँ बड़े? बतासा के ठेका लेल बनी का हम? मैडम जी आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू बताशा। हमको आप बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू बताशा। अब ना तुम जा के सो जाओ। अच्छा मैडम जी। मैं भी सो जाती हूँ। हाँ ठीक है मैडम जी। बहुत रात हो गई है ना, इसलिए सुबह उठ नहीं पाऊंगी। ओके मैडम जी। थैंक यू। गुड नाइट।
रे? कहाँ गोर लिया? अरे तोरे से कुछ पूछा था नहीं, बताओ कहाँ रह लिया रे? अरे मुंह क्या देखता रे? कुछ बोलो बे। हेलो माय फादर, आई लव यू। मैडम जी, मैडम जी लगा तो हमारे गांव में आइला के बाद खाए पिए को तकलीफ हो गई हो। तू तो सुखा के एकदम लाठी हो गई हो। हमार लोठिया कहाँ थे ले बड़ू लो? मैडम जी खाए पिए करो ना तो सब का कही कि गांव में खाना पीना ना मिले लो। हाँ अच्छा। हाँ मैडम जी है Hey, कहाँ देखता रे? मैडम जी कहाँ गए नी? मैडम? हाँ। कौन मैडम जी? अमर पालक सपना देख लिया क्या रे? खामोश! सम्मान के साथ नाम लीजिए, आम्रपाली जी। अच्छा, एक मिनट। है माई! माई? माई कहाँ भी रे? मैडम जी बड़ा मुश्किल से सिगरेट चुरा के ले आनी है, मुखिया जी के पता ना लगे चाहे ना तो बहुत मारी बढ़वा। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, चुप रहो। अच्छा और सुनो। हाँ। तुम किसी अपने दोस्त को बताना भी मत, क्या सोचेंगे सब? ना ना हम क्यों सुना बताई, लेकिन मैडम जी एक बात बोली, रहुआ जैसा दोस्त पाके ना हमार किस्मत धन्य हो गई। और सुनी, सिगरेट और शराब थोड़ा कम पियल करी, इससे तबीयत खराब हो जाला। अरे मैं कभी कभी पीती हूँ, हमेशा नहीं। अच्छा, लेकिन तुमने कहा है ना बताशा, तो अब देखना मैं छोड़ दूँ। मैडम जी इस सारा भूत लोग आ गए। बताशा कहाँ बड़ा हो? अच्छा बताशा। हाँ। अब मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में फिर मिलूंगी। बाय 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 बाय। ऐसे का देखत रहा लोगन? अंदर का करत रहला तोरी लोगन? अंदर? हाँ। अंदर का कुछ ना चरित्र ही ने ही का रे का कहले बुढ़ो का कहला? आम्रपाली मैडम को तू चरित्रहीन बोल ला, मार के चश्मा फोड़ दे तोहर, पगला गेल का? अच्छा तानी दोनों जन अंदर खुचुर पुचुर करत रहला पगला, हम गई नी जा। अरे यार हमने के तो सोचे नी कि अच्छी लड़की हुई, लेकिन ये तो हिस्ट्री सीटर निकल गई। बाहर पटवा फाड़ दे बाबा हम। अरे हमारा तो पहले ही से शक रहे, ये दाल में काला जरूर बा। हाँ। सबके भर मौले बिया और चपका लोग। सुना ना, अच्छा हीरोनिया के प्यारो बैल बना था चीनी के बोरा से गोर कलुगा गइल बा। लूटा ए राजा लागल रह बतासा ए भगवान। अरे कैसे बताई नन के सिगरेट पियत रानी हो? जाए मैडम जी कौन धर्म संकट में फंसा लू। नमस्ते अंकल। अरे बिटिया तू यहाँ कैसे? अरे बताशा कहाँ है अंकल, मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। महापंचायत चला था 4 घंटा से, कुछ बतावे तो अब नु हम जानी। अच्छा कोई खास बात है क्या? उधर जाके पता चले। अब जमा हो, जब पैसा वापस करे बारी तब पता चले। तो लगन तो का करी, उड़त रहे पैसा तब कहाँ से आई तू सर? हाय गाइस। नमस्ते मैडम। क्या हुआ, आप लोग बहुत टेंशन में लग रहे हैं। मैडम जी वो कहा है ना कि बताशा एगो प्रोग्राम खातिर सट्टा बुक कर ले बड़े। तुम जुआ खेलते हो?
मैडम जी सट्टा मतलब जुआ ना, वो प्रोग्राम का बुकिंग ले ले रही हूँ। ओ तो बड़ी मुसीबत हो गई हो, वो जवन सट्टा देले बानू वो बी क्लासिक कंपनी का मालिक है संजीव कुशवाहा, बहुत बड़ा आदमी हो, अब बड़ा मोटा रकम देले हो। अब कहा था कि मुंबई से कोनो डांसर मंगाओ, ना तो पैसा वापस करा, पैसा खत्म हो गए, सब खर्च कर देले अंकद आलो, अब कहां से वापस करी। अरे बस इतनी सी बात है जी, इतनी सी बात के लिए चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी दोस्त मैं कब काम आऊंगी? मैं मेरे क्यूट फ्रेंड बताशा के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम ना सट्टा फाइनल करो। ओके। मैं मुंबई से मेरी फ्रेंड संभावना सेठ को बुलाती हूँ। लेकिन एक शर्त है, तुम लोग में से कोई भी स्टेज पे उसके साथ जाएगा नहीं डांस करने, उसके साथ सिर्फ मैं ही डांस करूंगी। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ वी क्लासिक के चेयरमैन मिस्टर संजीव कुमार कुशवाहा का, जिन्होंने एक खास प्रोग्राम आपके लिए आयोजित किया है। तो दोस्तों इस महफिल में आ रही हैं मिस संभावना सेठ, दुनिया में नाम कमाने वाली फिल्म अभिनेत्री मिस अमरपाली दुबे जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। खुली चुनौती, खुली चुनौती, खुली चुनौती, ध्यान से सुनी रउआ सभे, गांव वाला खातिर एक सुनहरा मौका, 50,000 रुपया जीते खातिर रउआ सभे गांव वालन में से जे भी संतोष पहलवान के दंगल के महामुकाबला में हराई ओके 50,000 रुपया नगद इनाम दिहल जाई। मुखिया जी ये अनाउंसमेंट कैसा हो रहा है? मैडम जी प्रदेश के बहुत बड़ा पहलवान आयल बा, इनका ही प्रदेश में कोई ना हरा पहला भाई, जे भी इनका हराई ओकरा 50,000 के इनाम बा। 50,000? अरे वाह, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनको हराने के लिए तो हमारे छोटे पहलवान झटका प्रसाद ही काफी हैं। ये पीती ये हमसे लड़ी ना मैडम जी, ये तो हमरा के पटक पटक के मुआ दी। झटका, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ मैडम जी, बहुत भरोसा बा मैडम जी। तो हाँ बोल दो, मुझे पूरा यकीन है कि जीत तुम्हारी ही होगी। जियो झटका, लड़ जो। पहलवान। ठीक है मुखिया जी, तो आप इनसे कह दीजिए कि कल इनसे कुश्ती हमारे झटका प्रसाद लड़ेंगे। पहलवान, बिहाने तू पूरी तैयारी के साथ आया, कहे से यहाँ से जाए लाइक ना बचवा। जियो झटका। चलो चलो बहुत हो गया, वंस अगेन एक और डुबकी चलो। मैडम जी अरे चलो, ये क्या होता रे? अरे बाबूजी माई चोखा बनौले हो जाके खाता घरे में। अच्छा हाँ, ये ड्रामा क्या होता? अरे कुछ ना होता, जा तू खाना खा। हट बैल कहीं का। मैडम जी बाप हमार पगला गए हो। का कर तोरा तू पहलवनवा ना कच्चा चबा जाई। हमर पाली के इंप्रेस करे के चक्कर में फंस गेल बड़ा बेटा। एहो हनुमान जी, ई झटका के बचा लिया। बचा लिया, हम तो कहता नहीं अब टाइम बा मान जा। अरे हमरा तो चिंता बाकी कल से नगाड़ा के बजाई बाबू। अरे महाराज हम तो ई चिंता में है कि तेल मालिश होत कहे हो, तवन पलान बनोले बड़ा लोगन। मैडम जी पलानवा बता दी। मैडम जी तो मैडम के कुल प्लान ई बा
तोनी सब जे तेलवा मालिश करता रह। हाँ, उस तेल में डूब डूब के हमरा नस नस में रोम रोम में तेलवा घुस जाए और तब हम चिकनी चमेली हाँ मछली के जैसन फिसलब। हाँ, और उस संतोष पहलवनवा जैसे आई हमरा से लड़े हम ओकरे में जाए और घुस जाए ओकरे भीतरी जाके ओकर अदरिया के हिने से होने होने से हिने हिने से होने होने से हिने कल ही आते अब फिर वैसे ही मछलियाँ मापे पूछ से बाहर आ जाए। भारे गुरु ये कुल प्लान मैडम जी के बा क्या बात है। थैंक यू मैडम जी। अरे अरे ए जिंदगी रही तो बहुत पहलवानी हुई। चल भाग। दोस्तों आज ये सौभाग्य की बात है कि अपने गांव में महादंगल होने जा रहा है, कुश्ती का महादंगल, जिसमें अपने प्रदेश के सबसे बड़े पहलवान संतोष पहलवान आ रहे हैं। और ये भी सौभाग्य की बात है कि अपने ही गांव के झटका प्रसाद पहलवान उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, जो यहां आ चुके हैं। झटका प्रसाद जी पहले पहुंचकर माटी से माटी रगड़े हुए हैं। देखने से तो ये लग रहा है कि विश्व में शायद इनके जैसा पहलवान कोई नहीं होगा। आप धैर्य रखिए, अब संतोष पहलवान पहुंचने ही वाले हैं। झटका प्रसाद, अब कुश्ती दंगल एकदम चालू होने वाला है। झटका प्रसाद, झटका प्रसाद जी, संतोष पहलवान भाग गए। दोस्तों एक आवश्यक सूचना, दोस्तों ध्यान दीजिए, इस मुकाबले में हमारे प्रदेश के सबसे बड़े पहलवान जो संतोष पहलवान आने वाले थे वो झटका प्रसाद के डर से भाग खड़े हुए उनकी। और अब हमारे गांव के झटका प्रसाद जी पहलवान को 50,000 रुपया से पुरस्कृत किया जा रहा है। झटका प्रसाद जी जीत गए, संतोष पहलवान भाग खड़े हुए। बाहर हमारे गांव की मिट्टी और झटका प्रसाद बड़े बहादुरी से जीत गए। झटका प्रसाद जी का स्वागत है इस मंच पे। झटका प्रसाद जी आइए, संतोष पहलवान के भाग जाने के कारण उनकी जाने के कारण अब इनाम दिया जाता है झटका प्रसाद जी को। झटका प्रसाद जिंदाबाद, झटका प्रसाद जिंदाबाद। अपने ही गांव के झटका पहलवान जी को, झटका पहलवान जी को आप अम्रपाली मैडम जी के हाथों 50,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी धरती धन्य हो गई झटका प्रसाद जी के आने से। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे झटका प्रसाद पहलवान जी दो सब अपने मुखारविंद से बोले। कोटी कोटी धन्यवाद मैडम जी, आपने झटका प्रसाद को पहलवान बना दिया। झटका प्रसाद जिंदाबाद, झटका प्रसाद जिंदाबाद। ओके ओके बाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। अरे बैठो बताशा, क्या छुपा रहे हो मुझसे? मैडम जी आप खाते ने को गिफ्ट लाए लें। तो दो ना। लेकिन पता ना आपके पसंद आई कि ना। अरे दो ना। कितनी पैकिंग किए हो? हाँ
कितनी अच्छी है। आपके अच्छा लगा? बहुत सुंदर है। थैंक यू मैडम जी। यू वेलकम। बहुत अच्छा लगा तो मैडम जी। ए बतासा, एगो बात बताई, मैडम बाली नू तोर बड़ी तारीफ कर ली। सही देखलस ना, कोई के बात न सुनली तोरा छोड़ के। जानत रहे इस सब तोर पर्सनालिटी के कमाल बा। पर्सनालिटी के सही नहीं, हमार पर्सनालिटी हो अलग लाय जा मर्दे। अरे तू गोविंदा से कम नहीं खो। मैं एकदम सही। अरे तोहार किस्मत दरवाजा पर इंतजार करती है। ए बता सा, सही समय देख के आई लव यू बोल देना यार। हमें डर लगे लो। मैं अरे जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं रे पगलू। हाँ, तू प्यार करे लो कि ना? हम तो करे नहीं। बस करे लनू। हाँ। ए मैडम जी आओ तारी, एकदम एकदम सही समय बा। आई लव यू बोल दो, ऑल द बेस्ट। ए रुको रुको, हाय गाइस। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम। कुछ कहना था क्या? हाँ मैडम, हम कुछ कहल चाहता नहीं। तो बोलो। अरे बोलो ना। लाज लगता हूँ। अरे यार बताशा, मुझसे कैसी शर्म बताओ। फिर दोबारा कहो बोलते हो। अच्छा ठीक है, मैं मुखिया जी के यहाँ लंच पर जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके मैडम जी, बाय बाय। तारे ए जीवन में तोरा से कुछ हो ना हो सके, काहे ना बोले रे। अरे डर लागत रहला महाराज जवन हो। ए बाबू तू इनहन के चक्कर में मत पड़, ना ताम्रपाली जी के साथे साथे मुखिया जी भी तोहर कांच बहरिया दी। ए सरवा जब बोलिया सुबह बोली। तू चुप। तू देख ना भरदावा। हां कैसे मैडम जी तोहर गलिया मिसत रहनी। हां हमरा दिन पजिया ये लेती। और तू आई लव यू ना बोल पा। अरे महाराज आई लव यू तैसे कहा था जैसे हलवा हो। ताम्रपाली मैडम के सामने गनी था, हम कांपत रहे डर के मारे इसे। एक काम, हां कागज पे आई लव यू लिख के हाँ मैडम जी के दे देवल जाओ, लव लेटर टाइप। ये आइडिया बढ़िया हो हनु। अरे बताशा आओ बैठो, कुछ काम था। जी मैडम जी। हाँ मैडम, वो रास्ता में जवन बात हम कहल चाहत रहनी हो तक कहना पहले रहनी हो। वो बात ही चिट्ठी में लिख देले बनी। बताशा इस चिट्ठी में तो तुमने मेरे दिल की बात लिखी है, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। सच्ची मैडम जी? I love you, बताशा। हेलो। हेलो बताशा, कहाँ हो तुम? मैडम जी घर हैं अपने। सुनो जल्दी से मुखिया जी के घर पर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ जी मैडम जी, हम आओ तनी। हाँ आओ तनी मैडम जी। हाँ मैडम जी आओ तनी। हटाओ मैडम जी। अरे बताशा कहाँ थे तुम, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आज मैं मुंबई जा रही हूँ। मैडम जी इतना जल्दी? जल्दी एक महीना पूरा हो चुका है। क्या बात है बताशा, तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? मैडम जी दिन रवा से कुछ कहल चाहत रहनी हो, ना कह पैनी, आज वो बात कहल चाहता नहीं। अरे रुको, उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ, एक मिनट रुको। राहुल ये है राहुल, मेरे फियांसे। हेलो सर। हाय हाय मैडम जी, फियांसे का होला? फियांसे मतलब मंगेतर, मेरी इनसे शादी होने वाली है। ये कैसे हो सकेला मैडम जी, प्यार तो रहुआ हमसे करे नहीं, फिर शादी इनसे कैसे करब?
ये क्या बोल रहे? एक सेकंड, बताशा मैडम जी, हमारा साथ बैठ के प्यार मोहब्बत के बात करब, हमारा साथ सिगरेट पिया, दारू पिया, हमारे गाल में स्लेब, गाल चुमले भी, आखिर ये करे ला मैडम जी? वह नू जी प्यार करेला, प्लीज मैडम जी बताई ना कि आप हमसे प्यार करे नहीं। अरे बतावा ना मदरू यार, बतावा ना। हाँ मैडम जी, तोर दिमाग ठीक बाकी ना? हमारा दिमाग ठीक है, पूछा ना मैडम जी बताई ना प्लीज। मैडम जी आप रो ना जाए। आम्रपाली एक मिनट। मैडम जी कह दी ना कि आप हमसे प्यार करे नहीं? मैडम जी मैंने कहा गाड़ी में बैठो। अरे एक मिनट राहुल, मुझे समझाने तो दो। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। अरे राहुल मुझे, अरे राहुल और ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है अम्मू, तकलीफ हो रही है मुझे। लेकिन राहुल अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। एक तो मेरे लाख मना करने के बाद तुम इस गांव में आके रुकी, आखिर हासिल क्या कर लिया तुमने? बहुत कुछ, इतना कुछ कि अगर मैं इस गांव नहीं आती तो शायद लाइफ की कई सारी चीजें मुझे कभी पता ही नहीं चलती। इस एक महीने में पूरा जीवन जी कर आ रही हूँ मैं राहुल। अच्छा, और वो क्या था? क्या क्या था? वो जिसने मेरे सामने तुम्हें आई लव यू बोला। यार तो वो उसका प्रॉब्लम है, मैं तो उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। दोस्त मानती हो इसीलिए तो हिम्मत बड़ी ना उसकी। देखो अम्मू, अकल तो तुम्हें है नहीं, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें इस गाँव में आने दिया। और तुम्हें पता है इन गंवारों के बीच में रह के ना तुम भी गंवार हो चुकी हो। जी नहीं, ये लोग गवार नहीं है। इस एक महीने में जीवन जीने के सारे मायने सिखा दिए वो लोगों ने मुझे। और जहाँ तक रही बताशा की बात, हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। यार गलतफहमी हो गई होगी? अरे वो गलतफहमी में ही जी रहा है, सुना नहीं तुमने? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अगर तुमने मुझे उसे समझाने दिया होता ना तो उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती। वो बहुत भोला है यार, बहुत अच्छा इंसान है, दिल का बहुत साफ है। पता नहीं लोगों ने उसे कितना मारा होगा, तुम ना मुझे कभी नहीं समझोगे राहुल। यू रियली हर्ट मी अ लॉट टुडे। बेचारा बताशा। सॉरी अम्मू, आई एम सॉरी। जाओ यार प्लीज। मुखिया का कैब बना यार, हम जबरदस्ती खेती गाड़ी में लेकर ले जाए, देखा तो ना रहा हा? गाड़ी के अंदर से कूद जाए चाहत रहनी हा। लेकिन ना खींच के ले गई, गाड़ी के अंदर से चिल्लात के रहनी हूँ। और एक बात मैडम जी, कौन साड़ी पहले रहनी हा? वह साड़ी जवन साड़ी उनके गिफ्ट में दे रहनी हा। एक मतलब का भाई? एक मतलब साफ हो कि मैडम जी हमारा से उतना प्यार करनी जितना हम उनका से। शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा बा, कोनो न कोनो मजबूरी हो। देख बता सा, हमार सलाह एक बड़ी ध्यान से सुन ले। अम्रपाली मैडम के सपना समझ के भूल जो, यही में तोर भलाई साथ साथ हमनी के भी भलाई बा। बिल्कुल सही कह रहल बाटे, पगला मत। ए नौटंकी मंडली, कान खोल के सुन ले। गांव के इज्जत में अगर थोड़ा भी पाटा लागल ना, अभी तो लाठी से मार लेगा। तोरा गोली मार दे। हरा चक्कर में ई दिन देखे के पड़ा था। बोला अब बोलत का नहीं खा? अरे ई का बोली है,
इनका माथा पर तो मैडम के मोहब्बत के बुखार चढ़ल बा। अरे रागल बा, इनके चक्कर में सबका पिटाई हुई एक दिन। चलो अरे चलो 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 का भाई हैं? तार बेटा हमर नाक कटवा दलस गांव के सामने, हैं? ससुरा के बखलोल खानी सूरत बा, आ हीरोइन से भी आ करे कहता, हमर पाला से। का रहुआ दिन भर आम्रपाला लगौले रहले जी हैं? बुझात नहीं खे, हैं? अच्छा। हमार बेटा दिन भर के भूखल पियासल, एने ओने जंगल जंगल कहाँ कहाँ भटकाता, एकर चिंता नहीं खे रहुआ के? अरे चुप, तारे बिगाड़ल हो, तारे हाँ, हमरे बिगाड़ल बा, हमरे बिगाड़ल बा जी, हमारी इकलौता बेटा हमरे बिगाड़ल बा, हमार करे जा फटा। आगले तारे इकलौता बेटा, रे कहाँ रहले अरे, रे कहाँ रहले हा? हम पूछे तानी ना, धीरज धरी, हम बात करे तानी, हैं? कहाँ रहले अरे? पतसवा आप दोनों से पूछा तानी। हम बतियावा तानी ना जी, रहुआ कहाँ एकदम से? हाँ, जा, अपना साहब का दूध भात खिलाओ, दूध भात, जा। अरे महतारी बेटा पागल को दिए था हमरा के। अरे बाप रे बाप, पूछा था कि ए बता सा काम धाम हो ई कि ऐसे ही मजनू बन के जीवन बिताइबा? अरे मर्दे लीहल सट्टा वापस हो जाता, बाजार में नाम खराब होता तो न लगे, काल से प्रोग्राम हो ना मिली। और का ये ऑर्केस्ट्रा के जमाना में औसौ भी लोग नौटंकी ना देखे के छैला, और तू अपन ही हालत बनौले बड़ो। देखा अपना बारे में ना, तो कम से कम हमनी के घर परिवार के बारे में सोचा यार। और का जाए मर्दावा, तू उन लड़की खातिर मजनू बनल बारा, जे एक पर गैलिन तो तोरा का पीछे उम्र के ना देख लिन। अरे प्यार मुझो सा ऐसा बीमारी होला जे कपार पर चढ़ जाए तो 56 गो नाच नचावेला। तो हम लोगों के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, हमार सोचे समझे की क्षमता खत्म हो गए लो, प्लीज हमके कुछ देर अकेले में रह दे लोगन, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चल चला सा जाए तो जो समझाओ करला समझा देले बाद में। अब कहो बता सा काहे के बोलोला हमनी के? हम मुंबई जाए के फैसला कर लेले बनी। काहे के? काहे से कि हमारा के पूरा विश्वास बा कि मैडम जी भी हमारा सुतने प्यार करेनी जितना हम मैडम जी से करेनी, और राहुल मैडम जी के वक्त परेशान कर रहल होई। कौन है दुनिया में जी रहल बड़ा मर्दे, हैं? अरे वो फिल्मी हीरोइन 4 दिन तोरा से प्यार भरी बातें क्या कहलस, तू अपन औकात भूल गइलो? नाटक कंपनी के बारे में कुछ सोचला कि ना? काहे अपन बसल बसावल घर उजाड़ा तड़ा बता सा, तनी सोच। अरे ई का सोची है, हिनकर दिमाग पर तो ओकर ओकर हीरोइनिया के ना प्यार के बुखार चढ़ल बा, हिनकर सोचे समझे की शक्ति खत्म हो गइल बा। जवन सोचे के मतलब होके सोचा लोगन, हम तो मुंबई जाए के फैसला कर ले मानी, रहल बात नौटंकी कंपनी का तब तो हम लोग बाड़ा नू संभाल लिया। मान तो करा था कि एक हाथ खींच दिए जे, लेकिन तहार किस्मत पे ना तरस आ रहल बा तरस। अच्छा सुना, तहरा आत्महत्या करे के शौक बानू तो अकेले करा आत्महत्या, जा मुंबई। तहरा जाए के बाद तो अकेले जा, तहरा बर्बादी में हमनी के सोंगे नहीं खींच। अरे चल सा चल बड़ा जिद्दी बड़ा यार तू, हमनी सब आज ले तार सुख दुख में साथ निभावनी जा, तो तू का सोचा तारा कि ऐसे दुख के घड़ी में हम तारा के साथ छोड़ दे?
हाँ बता सा, तू का सोच ला? तू अकेले चल जाबा हमनी के छोड़ के, हमने के तुहार साथ ना देब जा। ना बता सा, हमनियो तुहरी साथे चलल जाई। नाटक कंपनी तो बंदे हो गई, अब जे भी बचल खुचल जिंदगी बा ताहरे साथे बर्बाद हुई। बताशा, हमने के साथे जिये मरे के कसम खा ले नहीं, भूल गई ले। चुप रहा बताशा, तू जान तड़ कि हमरा घर में बुजुर्ग माई बाबा, जेकर सहारा अकेले हम ही बानी। बाकी चिंता मत करिए, बम्बई में हमारे को दोस्त जिम्मी रहेला, ओकरा के हम फोन पर बता देले बानी और इनका के एड्रेस दे देले बानी, वो आई स्टेशन पर तू लोग के रिसीव कर ली। थैंक यू भाई। चला चला, गाड़ी के टाइम हो गई, चला चला निकल जावे, जैसे चला स्टेशन चल जाओ। चला चला, गाड़ी के टाइम हो। ये घर है। आओ आओ, बैठा 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 बैठा। गोड़ लगाता नहीं। बाप रे, बैठा बैठा। बता सा भाई, ये बात तुरा दोस्त के गरीब खाना, घर तो बहुत छोटा बा लेकिन तुरा दोस्त के दिल बहुत बड़ा बा। कुल मिला के ये एगो छोट रूम बा, यही में तोहनी के सूते के पड़ी। जिम्मी भाई, नींद कहाँ रहलवा, बस एक बार मैडम जी से मुलाकात हो जाओ बस। ठीक बा, पहले पानी पिया। ला 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 ला, ला। हमरो पानी जावा। तू हो ला। पानी पिया। बता सा भाई, तो नहीं क्या हमर बात माना, ये सब चक्कर में मत पड़ा। मुंबई आला है, कुछ दिन घूमा फिरा टहला, अपन गांव चल जा। कहे कि ये माया नगरी के समझे के चक्कर में हमर जिंदगी बीत गई, लेकिन आज तक एकरा के समझ ना पाई। तू अपन जिंदगी बर्बाद मत करा, जा गांव चल जा। जिम्मी भाई, अब तो हमारा जिंदगी का फैसला मैडम जी के हाथ में बा, बिना मिल लेना जाए। ठीक बा, उनके कोई नंबर पता हो तो बा। हाँ, एगो कार्ड दे ले बनी। ठीक बा भैया, आज खा पी के आराम करा, कल चल जाए। ठीक बा। बताशा, तुम आ गए? जी मैडम जी। मुझे पता था तुम मुझसे मिलने मुंबई जरूर आओगे। काबिल, अरे यार, ये रहुलवा ससुरा सपनों में मैडम जी से मिले नहीं के दे। दूर मर देवा, सूझ जा। सबरे मैडम के बंगला पले चला। ए भैया, सूझ जा। सूझ जा, बता। चला मर दे, सूझ जा। बत, सूझ जा। ओय माई, अरे माई माई, अरे अरे मोरी माई। अरे के आवाज कर रहा था रे? ये कंतावा मारम साले, चुप पट्टे फाड़ जाए, सुतवे की ना। अबे तू का मार, शांत रहो। अरे
कौन सी मैडम से? अमरपाली मैडम से मिले? नहीं मैडम नहीं है। नंबर दे दीजिए। अरे भैया उनको जाकर बोलिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो भोजपुरी सीखने गई थी ना वही गांव का लोग आया है मिलने के लिए। बतासा बोलिए, बतासा बतासा बोलिए। अरे मैडम शूटिंग पे गई है मैडम। नहीं है तो चलिए बाहर निकलिए। मैडम नहीं है, चलो बाहर निकलिए। मर्दवाई मुंबई है, गांव नहीं के लात खिलो बका। बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो चलो। अरे आप बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, निकल निकलिए भाई। चलो चलो चलो, जाइए ना आप लोग। भैया एक मिनट रुको, चलो चलो चलो। बाहर शहर मुंबई, भला आदमी पानी पूछेला, खाना पूछेला, ससुरा डांट के भगा देले महाराज। अरे धकिया के भगा देले बा भाई, बेइज्जती हो गई। तब का करल जाओ? अरे कोयल का जाई, कुछ दिन मुंबई भरमाणो, अपन बाप के खेत बेच के झोला भर के पैसा लेके आइल बन बंबई घूमे खातिर। बंबई भरमन? अरे बंबई मैडम जी के नंबर वो मिल गए हो तब वो काम हो जात। वैसे नंबर मिल सकेला? नंबर मिल सकेला? हाँ। कैसे? अरे गांव में हमनी लोग नौटंकी न कैले बानी जा, तकाल मुंबई में नौटंकी होखी। नौटंकी? अरे रुके रुके, अरे रुके, अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जाना है? रुकिए आप लोग, सर यहाँ बैठना अलाउड नहीं है। खबीस का बच्चा, तुम हमको बोलती, तुमको पता हम बहुत बड़ा आदमी होती। हमारा मर्जी, जहाँ मन करती वहाँ बैठती, वहाँ सोती। लेकिन सर आप हैं कौन? तुम हमको नहीं जानती, हमको नहीं जानती। रिलैक्स सर, गुस्सा थूक दीजिए सर, मैं समझाता हूँ। अमिताभ बच्चन को जानते हो? विनोद खन्ना को जानते हो? आमिर खान को जानते हो? फिरोज खान? फिरोज खान को जानते हो? तो इन सबको किसने बनाया? इन्होंने बनाया। यस, जिसने जीरो से हीरो बनाया उसका नाम अल्लाह दीनी। कामाश एक करे जाओ, हमने देवरिया से आयल बनी जा तुहरी मैडम के साइन करे खाते। अरे जल्दी बुलावा। 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5000 खबीश। लेकिन मैडम बाहर गई है। का बोलती? मैडम बाहर जाती कोई बात नहीं, मैडम का नंबर देती। यस, नंबर नोट कर। मैडम ने नंबर देने के लिए मना किया है। मना किया है? मैडम ने नंबर देने से मना किया है? तुम नंबर नहीं देगा, तुमको मालूम नहीं कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेके साहब आया। हम तुम्हारा मैडम को इज्जत देता है और तुम इज्जत के बदले बेइज्जत देता है। सर हम बोलता है इसको प्रोजेक्ट मत दो, चलो। ए वॉचमैन, तुम्हारे मैडम का नंबर नहीं देती, तुम्हारे मैडम के हाथ से बड़ा प्रोजेक्ट चली जाती, तुम्हारा बैंड बजा देती, तुम नंबर नहीं देती। भोजपुरी में कोई हीरोइन होती? अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। हम अल हबीबी को साइन करती, चलो। अरे अरे सर 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 रुकिए, माफ कीजिए सर, आपको हम पहचाने नहीं। नंबर चाहिए ना सर, आपको अभी देता हूँ। अब हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। 91 हाँ, 98 हाँ, 14 हाँ, 67 ओके, 60 ओके। सर अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। किधर गए अल हबीबी? अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। फोन वो लगाओ भैया। मैडम ये लाइन है आपका, पढ़िए। आज हम ईश्वर के साक्षी मान के सबके सामने कबूल कर रहल बानी कि हमरा के केहू से प्यार हो गइल बा, ठीक है मैम? हाँ ठीक है। हेलो हेलो। हाँ कौन? मैडम नमस्ते, हम बताशा बोल रहल बानी मैडम जी। अरे बताशा बोलो, कैसे हो, कहाँ हो तुम? मैडम जी हम बम्बई आयल बानी। अब मैडम जी आपके बंगला पे गए रहनी तो पता लगा आप बाहर बानी। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि जिस फिल्म के लिए मैं भोजपुरी सीखने आई हूँ, वो फिल्म की शूटिंग करने मैं बिहार आई हूँ और यहाँ पर मेरी शूटिंग चल रही है, मैं मुंबई में हूँ नहीं। मैडम जी हम रउआ से एक बार मिलल चाहता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जैसे मुंबई पहुँचूंगी ना तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ठीक बा मैडम जी, थैंक यू मैडम जी। का बोलली? मैडम जी बाहर शूटिंग करे गए। अच्छा, कहली ना कि जैसे मुंबई आए नू तैसे मिलो। अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी, अल हबीबी। खामोश। बताशा का फोन था? हाँ यार, वो मुझसे मिलने मुंबई आ गया है। तुम्हें पता है मैंने यही सोचा था और यही हुआ। देखना ये आदमी एक दिन तुम्हारे लिए ना डर का शाहरुख खान ना हो जाए। ए आई लव यू अमरपाली।
अरे यार प्लीज, मैं उसे एक बार समझाऊंगी ना, वो वापस चला जाएगा। देखो तुम उसे नहीं समझाओगी, उसे मुझे समझाने दो, प्यार से समझाऊंगा, नहीं समझा तो तुम्हें मेरा तरीका पता है, मुझे प्लीज रोकना मत उसके बाद। कूल, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पजेसिव होना ठीक है, लेकिन इतना बैठो। बाय द वे अच्छी लग रही हो। थैंक यू। हे मदरू भैया, हे मदरू भैया, निकल जाओ भैया, बहुत तनले बहो भैया। जोर से लगल बका, बहुत जोर से। हे मदरू भैया निकल जा, बाद में चल जाइया हो तनी। अरे के दरवाजा ठोकत रल? अरे हम ठोकत रली हो भैया। अरे इतना देर से दरवाजा का ठोकत रल रे? अरे तो भैया भीतर जाके सुत गेला, का जाके चिल्ला तू? घंटा हगी चाहे 2 घंटा हगी, तहरा से कहा ज्यादा चिल्ला मत, तेज हो जिए भैया। ए बाप रे बाप, ए भैया, ए भैया, भैया कोला होबे के बा हो ए भैया, ए भैया ओकरा आवे में थोड़ा टाइम लागी। ए पहलवान भैया, ए पहलवान भैया बहुत तेज लगल, बहुत खोल दो हो तनी। अरे खोल दो हो। अरे बाप रे बाप, खोला हो पहलवान भैया। अब बताओ चक्कर में काका करके पड़ा। अरे का हम बताएं? ए भैया, ए भैया, ओ जी पॉइंटर में होए भैया, ए भैया पॉइंटर में हो। जो अरे बाप रे बाप, जो कांता जल्दी आओ, फिर हम जाएं। आहा, हम जाएं। ओके बाप रे, पहलौना का खाइले रहे रे। अरे बम्बई, ई बम्बई में काका होत बारे। ए भैया, ए भैया निकल जो रे, पॉइंटवे में हो गइल बारे। कोनो देखी तो बड़ी बेइज्जती हो जाइए भैया, ए खदेरू निकल जा हो, बाद में थोलिया भाई कहीं कहीं जा हो। ए भैया, ए भैया निकल जा, निकल जा। दुहाई भगवान का। ये भैया डिस्को चलें? आज नहीं यार, कल चलते हैं। ओके, तो कैंडल लाइट डिनर चलें नरीमन पॉइंट। वाह क्या बात है राहुल, तुम तो आजकल बहुत रोमांटिक होते जा रहे हो। तो जिसकी महबूबा इतनी रोमांटिक हो वो रोमांटिक नहीं होगा। हेलो मैडम जी, नमस्ते। कौन? मैडम जी बताशा बोल रहा बानी। हाँ बताशा बोल। अरे वो मुंबई आ गई नहीं का? मैं राहुल बोल रहा हूँ। और सुन मेरी बात ध्यान से, अगर तूने यहाँ दोबारा कॉल करने की कोशिश की ना तो बेटा सीधा
व्यवस्था अंदर करवा दे। इसलिए भलाई इसी में जिस ट्रेन से तू आया ना उसी से लौट जा, नहीं तो चलने फिरने के लायक नहीं बचेगा, समझा? हेलो 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 हेलो, इस ससुराल तुम्हारा पीछे पड़ गई। क्या प्रॉब्लम है यार? तुम नहीं मिलोगी अम्मू से। अरे एक बार मिल लूंगी तो क्या हो जाएगा? देखो एक बार मुझे उसे अपने तरीके से समझाने तो दो, फिर वो खुद ही वापस चला जाएगा। अम्मू बहुत भोली हो तुम, तुम नहीं समझती हो दुनियादारी, इसलिए जो मैं कह रहा हूं ना उसे सुनो और समझो। ओके ओके। लॉन्ग ड्राइव लेट्स गो। भगवान हम तो पागल हो जाए, हमारा समझ में नहीं क्या आवत, हमारे होलवा कवन इलाज करी आखिर। हम अनियों के समझ में नहीं क्या आवत कि ऐसा कौन सा मजबूरी बा कि आम्रपाली मैडम राहुलवा से इतना डरा ली। ए भाई, राहुल एगो नामी ग्रामी मॉडल हवन। अच्छा, अब मैडम के करियर उहे बनौले बनान, बुझाइल? अब समझ में सारा माजरा आइल। मामला ई बा, मैडम का फोन है। उठाओ उठाओ। हेलो, आई एम सो सॉरी बताशा, आज राहुल ने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा ना, तुम्हें तुम्हें कुछ बात करनी थी ना मुझसे। हाँ मैडम जी। एक काम करो जी, कल तुम घर आ जाओ। लेकिन मैडम जी। डरो मत, राहुल घर पर नहीं है, और अकेले आना प्लीज। ओके मैडम जी। अब बताओ हम क्या करी। ए बताशा, अब का भइल? अरे महाराज, मैडम जी कल अपने घरे बोलावनी हा। घरे बोलावली हा, लागत है आग दोनों और बराबरे लागल भाई है भाई। लेकिन मैडम कहनी है कि अकेले यह केहू के लिए मत आई। हाँ तो ठीक है, तो कहली हो, हमनी के का जरूरत बा। ठीक बा, जाइए जरूर जाइए, बाकी ऐसे ना जाइए, तिनके सज संवर के जाइए, काहे से मामला मोहब्बत के न बा। अयो बनावतानी ठूस के जाई हो, इहो मामला मेहनत के न बा। देखो कैसे शर्मावत आ रहे। बोलो बताशा, पहले बोलो कि तुम क्या कहना चाहते हो, और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना आज सब बोल दो। मैडम जी, जब से आप हमारे गांव से आए हैं तब से हम बहुत परेशान हैं मैडम, बहुत टेंशन में रहनी, न दिन का चैन हो न रात का सुकून, नींद ना आवेला मैडम जी, पल भर खातिर नींद आवेला तो बस आप ही के सपना देखे ली। वो दिन जब गांव से आप आवत रहनी हाँ, और हम मोहब्बत के इजहार कहनी, और जब तक आपके जवाब आवत तो लोग हमके मारे लागल। मैडम जी, आपके गाड़ी में खींच के लेके गए ले हूं, और आप चिल्लात रहनी हमरा के बचावे खातिर, ये तो वह कर सकेला ना जी मोहब्बत करेला। हमके पता है मैडम जी आप बहुत मोहब्बत करेनी हमरा से, लेकिन कुछ तो ऐसा मजबूरी बा मैडम जी कि आप मोहब्बत के इजहार ना कर पा रहल बानी। हमके मालूम बा मैडम जी कि हम बहुत गरीब हैं, लेकिन अगर आपके प्यार मिलल ना मैडम जी तो दौलत भी आ जाए। मैडम जी, आप हमसे मोहब्बत करे लेनू, एक बार बोल दी मैडम। हो गया तुम्हारा कह के, अब मैं कुछ बोलूं? मैडम जी, यह सुने खातिर तो गांव से शहर आ गई नी, बोली ना मैडम जी। मैं बोलता हूँ।
सारा किस्सा सुनला के बाद ई तो बात तय बा कि मैडम के दिल में बतासा खातिर प्यार बा। अरे न तो रहुला के पकड़ के मैडम बतासा के भगौले कहे के होती। हाँ हो मधेरू भाई। हाँ जाने तारा प्रॉब्लम का बा। का जब भी हम अपना दिल का बात मैडम जी से बतावल चाहता नहीं बीच में रहुलवा आ जाता। हमारा दिल के बात मैडम जी सुनिए ना पावत हई। का करी कैसे बताई हम उनके अपने दिल के बात। हम मैडम के दिल में का बा बतौले ना देते। मधेरू भाई का ऐसा हो सकेला कि हम अपने दिल के बात वीडियो बना के व्हाट्सएप कर दी। अरे हाँ ये तो हो सकेला। तो भैया एक वीडियो बनावा। हाँ हाँ बनाओ तनी अभी बनाओ तनी। हट जा लो। ए तनी लोग हटा ना। हटा अकेले में ना बनी वीडियो। हटा हट जा। ए रुका तुम बढ़िया से अपन दिल के बात बोला था। स्टार्ट। नमस्ते मैडम। मैडम हमारा अच्छी तरह पता बा कि रहुआ हमारा से बहुत मोहब्बत करे नी लेकिन रहुलवा से डरे नी कोनो न कोनो मजबूरी बा रहुआ के आखिर में काहे के डरे नी। आप कितना मीठा स्वभाव के बानी और कितना बदतमीज इंसान। लेकिन आप डरी मत ओकर औकात दिखा दे एक दिन हम। गॉड आपका प्यार मिलो ना मैडम जी ते धन दौलत के लाइन लगा दे गाड़ी मोटर के लाइन खड़ी कर दे। क्या वो बढ़िया सी आ रही है, हैं? ओह गॉड। अरे तुम्हारी तो हंसी नहीं रुक रही। देखो तुम्हें भी हंसी आएगी। बस खाली एक बार मैडम जी हाथ जोड़ता नहीं। मैडम जी एक बार रहुलवा के बिना बताए बाहर कतो मिल नहीं आप। हम अपना दिल के बात बतावल चाहता नहीं और रहुआ से आपके दिल के बात सुनल चाहता नहीं। मैडम जी आई लव यू मैडम जी। तुम्हारे दिल में भी इसके लिए प्यार पैदा हो रहा है। भेज दो इसको जवाब। बता समय आ रही हूं तुम्हारे पास। तुमको हंसी आ रही है तो दे दो ना उसको जवाब। बता समय मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरे देखो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो इसलिए मुझे खोने से डर रहे हो। पर इसकी वजह से मेरा नाम उस मोटू के साथ क्यों जोड़ रहे हो यार। आई एम जस्ट जोकिंग अम्मू। देखो तुम्हारे मन में क्या है ना मुझे सब पता है। पर यार तुम सोचो मैं इससे प्यार करूंगी। मैं तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुमको पता है गांव में इसने मेरा कितना केयर किया था। इसीलिए तो तुमसे प्यार कर बैठा है। मैं बता रहा हूँ इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ऐसे लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं। ये मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। तुम एक बार मुझे उसका ब्रेन वॉश करने तो दो फिर देखना बिना किसी प्रॉब्लम के वो खुद प्यार से गांव चला जाएगा। गलत फहमी है तुम्हारी। मैं क्या कह रहा हूं इसकी पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस इसे गिरफ्तार करेगी इसके गांव भेज देगी बस खत्म। एक्सक्यूज मी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम समझे। ओके तो तुम्हें जरा मैं एक वीडियो दिखाता हूं जो इसने मुझे भेजा है। हेलो मिस्टर बॉडीगार्ड क्या चाहते हो क्यों मेरे पीछे पड़े हो। अबे सुन मोहब्बत करता हूं मैं मैडम जी को। तू क्या मोहब्बत करेगा बे। शकल देखा है अपनी औकात है तेरी मैडम जी के लायक। मोहब्बत करने चले। देख कबाब में हड्डी मत बन। हट जा मेरे रास्ते से। मैं तो अभी हिंदी में समझा रहा हूँ बेटा। अगर भोजपुरी में समझा नहीं नू तो तुम्हारे चेहरा पे फेंक दे तेजाब। बस मुझे बस हंस रहा हूँ। अब बताओ क्या करूँ इसका। ये तो सच में पागल है यार। इसे तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला। मैंने तुम्हारे मोबाइल से लिया था इसे समझाने के लेकिन इसने तो मुझे ही गाली देना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड तुम बिल्कुल सही थे राहुल। मैं ही गलत थी। ये तो सच में पागल है। देखो तुम्हें जो सही लगे ना वो करो। I'm so sorry. मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। Don't worry अम्मू।
आज मेरा शो है ताज होटल में, आता हूँ वापस। कल सुबह पहले इसकी कंप्लेंट करते हैं पुलिस में। ठीक है। एकांता, एक बात बतावा, तू मर्द होगा कि औरत? 50-50। बाकी हम पूरा औरत बनल चाहता नहीं, 100%। सुनील, बम्बई में बड़का बड़का अस्पताल प्लास्टिक सर्जरी करके बदल देवल जाला। हे जीनी बाबू, हमरो बदलवा देना। हे भगवान, ये घोर कलयुग है। अरे जब चब तोरे रहो। ए बेमानी ना, बेमानी ना, बेमानी ना, कह देते हैं बेमानी ना। मैडम जी, हम रवा के फोन करता नहीं, रवा फोन ना उठाता नहीं, वीडियो भेजनी ओहुक जवाब ना देनी, हमरा और बिल्डिंग के नीचे खड़ा भानी हाथ पे पेट्रोल लेके, हम तारा नाम पे पेट्रोल छड़े के आग लगा ले, तारा बिल्डिंग के नीचे अपन जान दे दे। हमरा और बिल्डिंग के नीचे खड़ा भानी हाथ पे पेट्रोल लेके, हम तारा नाम पे पेट्रोल छड़े के आग लगा ले, तारा बिल्डिंग के नीचे अपन जान दे दे। ये तुम क्या कर रहे हो? का करी मैडम जी, रहुआ तो हमसे बात नहीं की करत, फोन करत नहीं तो कट कर दे रहल बानी, वीडियो मैसेज भेजनी तो हुक जवाब नहीं के दे, जिंदगी में का बचल बा, खत्म हो गेल कहानी, हमार जिंदगी तो बर्बाद हो गेल मैडम जी, हमरा जिंदगी में जे बा सब रहुए ले बा, अब रहुओ ना मिले तो का करब जी के, आज पेट्रोल छिड़क के हम अपन जान दे दे मैडम जी। देखो बताशा, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। ओके, वो मैं शूट में बिजी थी इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई, मैं तुम्हें सामने से कॉल करने ही वाली थी। मैडम जी देखिए, आज सच सच बता दी कि रहुआ हमसे मोहब्बत करे, लेकिन ना। हाँ करती हूँ ना, बिल्कुल करती हूँ। मैडम जी अगर आप हमसे प्यार करें नहीं तब तुरंत तबे मिले चली आई हमसे। बोली हम ऊपर आई अभी अभी, अगर इतनी रात गए मैं तुम्हें मिलने आऊंगी तो सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो जाएगा, कितनी बेइज्जती होगी। क्या तुम चाहते हो कि मेरी बेइज्जती हो? ना मैडम जी, बिल्कुल ना। हमरा मालूम बा मैडम जी के रहुआ हमरा से प्यार करे नहीं, बाकी खाली वो बॉडीगार्ड से डरे ले रहुआ। अच्छा बताशा, अब तुम प्लीज प्लीज अपने घर जाओ, ठीक है? हम लोग कल मिलेंगे पक्का। रहुआ सच बोला था नहीं ना मैडम जी? हाँ बताशा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास बा मैडम जी, एक बार आई लव यू बोल दी मैडम जी, सुने खातिर हमारा कान तरस गए लो। पहली बार कहना है वो भी फोन पर, अच्छा नहीं लगेगा ना, क्यों ना कल मैं तुम्हें आमने सामने मिलकर कहूँ। बहुत अच्छा, ओके मैडम जी, आई एम सॉरी मैडम जी, हमारा वजह से बहुत तकलीफ भइल, आई एम सॉरी मैडम जी, बाय बाय मैडम जी, बाय, नमस्ते। क्या हुआ अम्मू, क्या हुआ? वो बताशा आया था, उसने मेरा जीना हराम करके रखा है, तुम कैसे भी उसे पुलिस से पकड़वा दो, वो बहुत बड़ा पागल है, वरना वो कल फिर आएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कूल 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 बाबू, मैं देखता हूँ उसे, कंप्लेंट कराता हूँ उसकी, डोंट वरी। साहिब, जिमी कुड़े है? साहिब, अरे जिमी कहाँ रहता है? जिमी कौन? जिमी साहिब? अरे इधर जिमी रहता है ना। अच्छा वो जिमी साहिब, वो तो सुबह ही मर गया। मर गया?
उसी के माध्यम में जा रहे हैं सफेद कपड़ा पहन के। बतासा वो जानता है क्या? कौन बतासा साहिब? अरे बतासा। बतासा? अबे बतासा को नहीं जानता? ए भाग बतासा! पकड़ो, अरे भागना मत, पकड़ो सबको। कह रहे पुलिस से झूठ बोलता है तू? ना, रुका रुका रुका। ए जिमी भैया, वो लोग भाग कहां रहे? सर सर, इसको ना भाग, ले जाओ इसको। शाना बनता है सबको। बंद करो, किधर है लोग? बंद करो सबको, चल ले जाओ। अरे बाप रे बाप, अरे कौन साहब लेके आए? अरे इंस्पेक्टर लोटे। अरे सर वो तो बहुत मारते हैं, लिटा लिटा के मारते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? भाई देखिए हम लोग को कितना मारे हैं। अरे बाप रे, मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते कानून के हिसाब से। अच्छा तुम्हारा कायदा शिकवणार? मी शिकवते तुला कायदा। तिकडे चल, तेरे से बाद में निपटता हूँ छोटा रिचार्ज। अबे तू देख के पता नहीं चल रहा है कि मुलगा कि मुलगी। अरे तोंदू हीरो बनने आए इधर तुम लोग? काहे रे? तेरा तो अर्थी निकल रहा था ना साहिब। मैं निकालेगा तेरा अर्थी, काहे रे? इधर मुंबई में तुम लोग लड़की छेड़ने को आया ना, इधर हीरोइन को छेड़ेगा तुम लोग? क्या रे मोटू, हीरोइन को छेड़ेगा तुम लोग? हीरोइन को छेड़ेगा? शाला बनता है, हीरोइन छेड़ेगा है? मुंबई में आके हीरोइन छेड़ेगा? हीरोइन को छेड़ता है मुंबई में? इधर तुम लोग चल मोटे, इधर चल। हीरो बनेगा, हीरो बनता है तुम लोग? इधर ही हीरो बनेगा। कालिया बैठ, बैठ नीचे, नीचे बैठ कालिया। मैं हीरो गिरी निकालता मैं तुम्हारा सब। इधर हीरो बनेगा? ऐसा आवाज नहीं, एकदम आवाज नहीं। ए चुप, ए तावड़े, चाय नहीं रे, मला दूध पाइजे।
दूध बोल मैडम जी। बताशा जी मैडम जी, क्या हुआ मैडम जी? मैडम जी, पुलिस ने हमारे सारे दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, मुझे भी ढूंढ रही है पुलिस। आपने वादा किया था ना कि आप उससे मिलेंगी, लेकिन आप तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं मैडम जी? मैडम जी प्लीज बोलिए ना, मोहब्बत करती है ना आप मुझको? तो फिर बताइए ना सबको कि मोहब्बत करती हैं आप मुझको। ए! गंदी नाली के कीड़े, देख देख आज तेरा क्या हाल करता हूं मैं, देख तू क्या करेगा, क्या करेगा तू? बॉडीगार्ड क्यों मेरे मोहब्बत के पीछे पड़ा है? बताशा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने राहुल पर हाथ उठाया, तुझसे प्यार करूंगी मैं? अरे शकल देखी है तूने अपनी, पूरा का पूरा हाथी लगता है। अपना अच्छा दोस्त समझती थी मैं तुझे, लेकिन तू दोस्ती के भी लायक नहीं है। राहुल बिल्कुल सही कहता था, तुझे पहले दिन ही पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था जब तू यहाँ आया था। प्यार करने चला है, अरे तुम जैसे लोगों की औकात ना जूतों में ही रहने की है। सिक्योरिटी गिरफ्तार कर लीजिए इसे। तू यहाँ छुपा बैठा है, बहुत दौड़ाया, चले चल इसे ले चल। I'm sorry राहुल। It's okay. तांबा है कुटे चल ला भैया, वो हमारा लड़का अंदर है क्या? बतासा। बतासा? हाँ, पांच छह उसके दोस्त भी है उसके साथ। हाँ हाँ अंदर है, जाओ। अच्छा धन्यवाद। जा जा। वाह, बहुत अच्छा लगा था तारा लोग यहाँ देख के, बड़ी खुशी भइल, खूब नाम रोशन किले से तहनी के। तहनी के मति भरम हो गई बा। अरे तहनी के लाज शरम ना इल रे, हैं? बिना बाप महतारी के बतौले आई बतसवा लोफर के चक्कर में तहनी के बॉम्बे चली ला सा। इना सोच ले सकी बाप महतारी पर का गुजरत हुई, वहां नदी तालाब में वो लोग खो जाता तहनी के, हैं? तू बता सा। अरे तारा ही सन औलाद से तो अच्छा, बाकी हम बिना औलाद के रहती। आप भैया? हाँ बोला। बच्चा लोगों को छोड़ दीजिए। देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बड़े साहब हैं, उनसे मिलिए, जो करना होगा वही करेंगे। अच्छा ठीक है। भैया? हाँ बोलो। वो बड़े साहब अंदर हैं क्या? बड़े साहब? हाँ हाँ जाओ। अच्छा जाओ। अरे तावड़े चाय का क्या हुआ? ए, इसको बोला रे हेड़ा है क्या, इधर नहीं बोलने का। साहब बतासा क्या, हम बाबूजी हैं, गांव से आए हैं, वो बच्चा लोग जमानत कर दे तो बहुत कृपा होती। तू कहीं का कलेक्टर है, तू बोले घर में छोड़ देगा है? तुम लोग का यही लोचा है, गांव से इधर आके लफड़ा करेगा और हम लोग पीछे पीछे दौड़े तुम्हारा बच्चा लोग के।
साहब बच्चा लोगों से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। FIR हुआ है तुम्हारा बच्चा के खिलाफ, सेलिब्रिटी का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो करेंगे राहुल जी और आम्रपाली जी कर सकते हैं, उनसे जाके बात करो, वही कुछ करेंगे। मेरा मतलब है साहब, वो नंबर वन मिल जाता तो हम बतिया लेते उन लोगों से। बड़ा लफड़ा रे, तुम लोग गांव से आके इधर इतना लोचा करेगा, फिर हम लोग और समझा अपना बेटा को। जी जी, इधर आया तो लफड़ा ना करे। हाँ जी, मुंबई है ये। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। चल तावड़ा चाय बोल। हेलो। हाँ बेटा। हम इधर जीत बोलता नहीं, बतासा के बाबूजी। जी अंकल नमस्ते, कहिए। हम यहाँ बॉम्बे आए हैं बेटा, ओशीवरा थाना से बोल रहे हैं। बेटा इनकी गलती के लिए हम माफी मांग रहे हैं, इनका जमानत करा दो बेटा। हम कल ही इनको गांव लेके चले जाएंगे। अब पुलिस ने इनको बहुत मारा है बेटा, बहुत मारा है। अब गलती तो हो गई है, थोड़ा रहम करो। अंकल आई एम वेरी सॉरी, ये सब कुछ करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, ये तो सब बताशा की वजह से हो गया। पर अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पुलिस से बात करके उनकी जमानत करवाती हूँ। हाँ हाँ बेटा। कौन था? बताशा के पिताजी थे यार, वो यहाँ मुंबई आ गए हैं उन लोगों को लेने। तुम एक काम करो, प्लीज पुलिस को कॉल करो और कंप्लेन वापस ले लो, वो लोग सब गांव चले जाएंगे एंड इट विल बी डन। सिर्फ तुम कह रही हो ना, इसलिए मैं कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ। लेकिन मुझे डाउट है कि ये आदमी फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, तुम देख लेना। प्लीज यार कुछ नहीं होगा। जी इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए उन लोगों। जी बिल्कुल ठीक है राहुल जी, जैसा आपको सही लगे। बाय। दौड़े ते भैया आयत ना तन्ना सोड़ दे। अच्छा बोल एक धरे झोरा पकड़। सांझी खान की ट्रेन, बस सब लोग तैयार हो जा। हम एक बार मैडम जी से बिना मिले ना जाए। का कह लिया रे? सब तो हो गए रे, अब का बचल बा? अब कुछ बचल बा का? है समझा के रखे, कहा था कि हम बिना मिलने ना जाए। ए बतासा अब का बच गई बा? अरे तहरा चक्कर में हमनी के वो हाल भइल बा जेकर कल्पना हमनी जीवन में कब्बो न कर सकता नहीं। एक महीना से हम लोग मुंबई में नरक के जीवन बिता रहल बानी। लात घुसा खैनी वो अलग, बेइज्जती भइल वो अलग, अब का बच गई बा? अरे कौना काम खातिर जेबे तू मैडम जी से मिले? मैडम जी तहरा के का समझतारी हम बताई? हम बतावता नहीं, तहरा के मैडम जी कुत्ता समझतारी, कुत्ता। तहरा चक्कर में हमनी के गांव छूट गई, माई बाप छूट गई, नौटंकियो छूट गई। अब तहरा के कुत्ता बने के शौक बना तो जा मैडम के लगे कुत्ता बने, हमनी कोई ना जाए कुत्ता बने। हा हमनी कोई ना जाए। अब रोवा जीन, हमली भी तेरा से नफरत ना करे नी बतासा, हम लोग तेरा से बहुत प्यार करे नी। ए चाचा जी अब तक तो हम लोग सब बात बतासा के मननी जा, इनकर आखिरी ख्वाहिश तो पूरा कर देवल जाओ। एक बार मैडम जी के पास जाए दी चाचा जी, मिलने में दी चाचा जी, प्लीज चाचा जी। ठीक बा ले जा। चल चल।
राम राम जी। जी वो अम्रपाली मैडम जी से मिलना था। जी आइए आओ। अबे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नमूना तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ क्यों आए हो? राहुल, इन लोगों को यहाँ मैंने बुलाया है। तुमने? क्यों? दरअसल राहुल बाबू, हम लोग गांव जा रहे हैं। अब गलती तो हो गई है राहुल बाबू, कहा है कि आखिरी बार बतासवा मैडम जी को सॉरी बोलना चाहता है। अम्रपाली, तुमने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। हाँ क्या? माफी मांगने आए? अम्मू माफ कर दो, माफ कर दिया मैडम ने। ओके चलो जाओ। ओके निकलो, आउट आउट। हम मैडम जी से 10 मिनट अकेले में बात करना चाहता नहीं। क्या ये क्या चीज है ये? मैडम जी प्लीज, प्लीज मैडम जी। अबे दिमाग तो ठीक है तेरा? राहुल वो बस 10 मिनट मुझसे अकेले में बात करना चाहता है ना, कर लेने दो उसे। अम्मू तुम कब समझदार बनोगी यार? देखो राहुल, तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी है, लेकिन आज नहीं, वो मुझसे 10 मिनट बात करना चाहता है और मैं उसे मना नहीं कर रही हूँ। आओ बताशा। ठीक है जब तुमने फैसला कर ही लिया तो ओके। बैठो बताशा। नहीं मैडम जी, मैं बैठूंगा नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूं मैडम जी। बोलो। मैडम जी मैं जा रहा हूं और अब फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने आपको बहुत परेशान किया मैडम जी, मेरा अपराध माफी के लायक नहीं। मैं भूल गया था कि इंसान को रात के अंधेरे में सपना देखना चाहिए, लेकिन दिन के उजाले में सपना देखने का गुनाह किया है मैंने। सच तो यह है मैडम जी कि मेरी औकात आपके पैर के नाखून के बराबर नहीं। ऐसा नहीं है बताशा। ऐसा ही है मैडम जी, मैं 5 फुट 2 इंच का गेंडे जैसा इंसान चांद की ख्वाहिश कर बैठा। ये गुनाह नहीं तो और क्या है मैडम जी? पर एक हकीकत यह भी है मैडम जी, मेरी नजर में कायनात की सबसे हसीन खूबसूरत औरत आप हैं। मेरी नजर में खूबसूरती आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो मैडम जी, लेकिन इसी गलतफहमी में जिंदा रहना चाहता हूं मैडम जी। मैं जाने से पहले एक छोटी सी इल्तजा करना चाहता हूं आपसे, अगर आपने पूरा कर दिया तो भी चला जाऊंगा, नहीं पूरा किया तो तब भी चला जाऊंगा। बोलो। मैं कायनात की सबसे हसीन खूबसूरत औरत को एक बार चूमना चाहता हूं, और अगर मैंने आपको चूमा तो ऐसा लगेगा कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान मैं हूं। बताओ तुम मुझे चूमना क्यों चाहते थे? मैडम जी जब से आप मेरे गांव से आई हैं, ऐसी कोई रात नहीं जिस रात सपने में आपने मुझे आई लव यू ना बोला हो और मैंने आपको चूमा ना हो। उस सपने के एहसास को मैं
हकीकत में बदलना चाहता था। एक बात सच बताओगे बताशा, क्या सपने में भी तुम मेरे माथे को ही चूमते थे? नहीं मैडम जी, मैं आपके होठ चूमता था। तो आज तो तुम पर कोई रोक नहीं थी, तो तुमने माथे को क्यों चूमा? क्योंकि अब उस पर मेरा अधिकार नहीं मैडम जी, उस पर अब राहुल बाबू का हक है। प्रेम की पराकाष्ठा में जाने के बाद भी हम उसको असलील नहीं कर सकते, और अगर आज हमने आपके होठ को चूम लिया होता तो मेरा प्रेम असलील हो जाता। थैंक यू मैडम जी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम जी, बहुत अच्छी। आपको पता नहीं, आपने मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। तुम्हें पता है बताशा, तुम एक बहुत अच्छे, बहुत सीधे इंसान हो। जो भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी ना, वो बहुत खुश नसीब होगी। नहीं मैडम जी, अब मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी। मेरी जिंदगी में जिसको आना था वो आ चुकी है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। बताशा रुको, बताशा मैंने मोहब्बत की है, तमाम मोहब्बत करने वालों को जानती हूँ। मोहब्बत पर फिल्में देखी हैं, किताबें पढ़ी हैं, मोहब्बत पर फिल्में की भी हैं, कई सारी परिभाषाओं को जानती हूँ मोहब्बत की। लेकिन आज, आज तुमने ये जो मोहब्बत की नई परिभाषा दी है ना, उसकी इस दुनिया में मिसालें दी जाएंगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बताशा, और जिस तरह की मोहब्बत तुम मुझसे करते हो ना, अगर उस मोहब्बत से तुमने मेरे होंठ भी चूम लिए होते तब भी तुम्हारी मोहब्बत अश्लील नहीं लगती। तुम्हारा सपना अभी भी अधूरा है ना। अम्मू, राहुल प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। बे सुन, अगर आज के बाद तू दोबारा मुंबई में दिखाई भी दिया ना, तो यहां से तेरी लाश जाएगी गांव सीधे। छोड़िए ना सर, क्या करने आऊंगा मुंबई में, यहां लेकर जा रहा हूं अपनी मैडम जी को। अबे चल ना। डॉक्टर साहब प्लीज बताशा की जान बचा लीजिए, कितना भी खर्च लगे मैं देने को तैयार हूँ, प्लीज। आप धैर्य रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं बताशा को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, धैर्य रखिए, भगवान पे भरोसा। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे जानबूझ के धक्का दिया? तुम्हारी कसम वो गलती से गिर गया। पता है राहुल, जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तब तुम किसी की बात नहीं समझते हो, कुछ नहीं सुनते हो। अरे जिस गलती की सजा उसे मिल रही है वो तो उसने की भी नहीं है, उसने मेरे माथे को चूमा था,
उसके होंठ तो मैंने चूमे और मैं नहीं जानती हूँ वो सही था या गलत था, लेकिन जिस तरह का प्यार वो मुझसे करता है ना, मुझे उसमें कभी कोई गंदगी नहीं दिखी। मुझे लगता है सर पे चोट लगने से खून काफी बह गया था। सॉरी हम उसे बचा नहीं सके। डॉक्टर। I'm so sorry, अंकल। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। I'm so sorry। ये हिलाई कुबराला। जब से पैदा भई आंसू ही देलस कम भक्त, लेकिन अब हम सोचा था नहीं कि ओकरा माई से का जाके कहब कहब ओकरा माई से। इसने मुझसे बहुत मोहब्बत की और मोहब्बत की सजा इसे मौत मिली। हम दोनों ने भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत की है, हमारी सजा क्या होनी चाहिए? हमारी सजा यही है कि इस जीवन में तो हम साथ नहीं रह सकते। अमुभाव तो मुझसे हुआ है, और अगर इस पाप का प्रायश्चित यही है तो मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर गुजार दूंगा, और ये मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं। पल भर के लिए अपनी आंखें खोल दो। तुम हमेशा जो मुझसे सुनना चाहते थे ना, आज हकीकत में मैं वो कहना चाहती हूँ। I love you, बताशा। I love you. मैडम, एक आखिरी सवाल। आपने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े सामाजिक कार्य किए, इस छोटे से गांव में इतने बड़े अकेडमी की स्थापना की, क्या हम जान सकते हैं कि आप इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद आपके जीवन में कोई आया क्यों नहीं? हमरा जिंदगी में जेकरा के आवे के रहे हुआ चुकल, ओकरा बाद हमरा जिंदगी में केहू खातिर कोनो जगह नहीं के। धन्यवाद।